1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लॉ बनाने की जिम्मेदारी आ गई थी नेशनल असेंबली के पास, लेकिन सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में आते थे वो आदमी जो 25 साल से ऊपर थे, जो प्रॉपर्टी ओन करते थे और टैक्स भरते थे। बाकी सारे आदमी जो 25 साल से नीचे थे या प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे और देश की सारी औरतें पैसिव सिटीजन में काउंट होती थी और उन्हें वोटिंग का हक नहीं था। सोसाइटी को लग रहा था कि अब जो है राजा साहब लोगों की बात मान चुके हैं, नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन राजा तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा के साथ मिलकर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को मजा चखाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक नेशनल असेंबली को पहले ही पड़ गई और उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ दी। इनफैक्ट फ्रेंच सोसाइटी में जो नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन था वो अब पॉलिटिकल क्लब्स बना रहा था, क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। ऐसा ही एक सबसे फेमस क्लब हुआ करता था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि उसने पेरिस में लोगों को कन्विंस करके राजा और रानी को बंदी बना लिया और फिर फाइनली उन्हें मौत के घाट उतार दिया है ट्रीजन का रीजन देके। अब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक करार दे दिया गया था और जैकोबिन क्लब का हेड यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांस का कर्ता धर्ता बन गया था।